chip chip one three sound effect. की महिलावर बसलेला आहे आणि महिला पण टाळ्या वाजवतात आहे आणि म्हणून मी महिलांबद्दल जास्त काही कॉमेडी करणार नाही कारण मला इंडियाला पण परत जायचं आहे. हा देतो मसाला कुठील माझा कारण तुम्ही बघा भारतामध्ये महिलांना एवढं प्राधान्य दिलेलं आहे की आपल्या पुरुषांचा काही हिसाबच नाही आहे. जेवढ्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी आहेत सगळ्या महिलांसाठी सिरियल तुम्ही बघा सगळ्या महिलांसाठी 7 ते 11 सगळ्या महिलांसाठी सिरियल. पहिले हिंदीमध्ये सिरियल यायची क्युकी सास भी कभी बहू थी कधी आमच्या तो म्हणा ससर भी कभी जमाई था काय नाही आहे माहिती विकू शकतच नाही. 7 से 11 सारे महिलाओं के लिए सिरियल और हम पुरुषों के नसीब में सिर्फ एक ही आदमी है सुबह सुबह आ जाते हैं बाबा रामदेव अच्छा डोले मारू मारू बोलता. अब बाबा रामदेव ने पूरे वर्ल्ड का इलाज किया है लेकिन अपने आंखों का इलाज अभी तक नहीं कर पाए. जब से मल्लिका शेरावत को देखा है एक आंख उनकी अभी तक बंद ही है खुली नहीं इचक इचक गाना कर रही है कुछ ना कुछ. बाबा रामदेव बोलते हैं कैसे नाखून से बाल निकल आते हैं बाल सफेद नहीं होते बाल झड़ते नहीं है. आपने देखा होगा लोग लगे रहते नाखून घिसते. एक आंटी जी को देखा 2 मिनट तक नाखून घिस रही थी 2 मिनट के बाद में ऊपर रुमाल लगा के चल रही. मैंने कहा आंटी जी ऊपर रुमाल लगा के चल रही है. बोले क्या बताऊं बाबा रामदेव बोले नाखून घिसो बाल निकल आएंगे मेरी मूंछें निकल आएंगी. और वैसे भी मैं आपको बात बताऊं कि हम पुरुषों के जीवन में पूरी लाइफ में सिर्फ 2 ही महिलाएं सर से हाथ घुमाती हैं. हम पुरुषों के जीवन में पूरी लाइफ में सिर्फ 2 ही महिलाएं सर से हाथ घुमाती हैं. एक तो बचपन में माँ और जवानी में बीवी. जब माँ सर से हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं और जब बीवी सर से हाथ घुमाती है हाँ तो रिजल्ट आजू बाजू में देख लो. लेकिन महिलाओं के कंपेरिजन में पुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है. सच्ची बता रहा हूँ महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है. महिलाओं का दिल इसलिए छोटा होता है क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही पुरुष रह सकता है और वह उनका हस्बैंड. जबकि हम पुरुषों का दिल बहुत बड़ा होता है. एक कोने में सनी लियोन एक कोने में मल्लिका शेरावत और अगर जगह बची तो हमारी बीवी भी रहती है. अरे तुम्हें बघा कि नवरा बायको मध्ये कधी भांडण झालं तर बाईचं एक टिपिकल वाक्य असतं ते घर लहान असो मोठा असो छोटा असो आपली आई असो मावशी असो आजी असो कोणी असो भांडण झाल्यानंतर बाई रडत रडत आपल्या नवऱ्याला एक वाक्य नक्कीच आयुष्यामध्ये बोलते. मी होते म्हणून या घरात टिकले दुसरी कोण असेल तर कधीच इंडियाला निघून गेली असते. मी बोलतो अशा ना मला पुरुषांनी पण बोललं पाहिजे मी होतो म्हणून जिवंत आहे दुसरा कोण असेल कधीच फायदा लटकला असता. आणि या सगळ्या गोष्टी कॉमेडीच्या घरात घडत असतात. महिला वर्ग यूट्यूब वगैरे तुम्ही बघत असणार सिरियल वगैरे हस्बंड येतात थोडंसं फार मॅच वगैरे बघतात किंवा न्यूज बघतात लहान मुलं कार्टून बघतात. आता एक कार्टून कॅरेक्टर आहे दॅट इज डोनाल्ड डक. त्याचा आवाज अशा प्रकारे आहे तर हा जो कार्टून डोनाल्ड डकचा आवाज आहे जो ज्याला आपण अॅनिमेशन म्हणतो कार्टून डोनाल्ड डक त्याच्या मागे ॲनिमेशनच्या मागे जो डबिंग व्हॉइसवर जो आहे सो कार्टून डोनाल्डचा जो आवाज आहे तुमच्या याच कलाकाराचा आहे. सो आय डू व्हॉइस ओव्हर डबिंग फॉर कार्टून डोनाल्ड इन हिंदी. जर कार्टून डोनाल्ड अगर कार्टून डोनाल्ड ये कहेंगे कि ईस्ट ऑफ वेस्ट रामले इज द बेस्ट हाउ वी विल से
आइए। अच्छा एक मैं खास घुंघरू की आवाज निकालने वाला हूँ, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई खूबसूरत लेडीज यहाँ पर आ सकती है, एनीवन, आप में से कोई भी आ सकता है, आप आ सकती है, एनीवन कोई भी आ सकता है, चलिए आप आ जाइए, चलिए आप सामने बैठिए, आप आ सकती है, आप आ जाओ, चलो आप आ जाओ, No, you don't, you just have to walk, that's it. Come fast. कौन आ सकता है? आप भी आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाओ।